Hello everyone. Now we are going to study about evolution of various storage technologies. इधर हम टॉपिक के अंदर देखे थे एक वर्ड हमको दिखाई दे रहा है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, यानी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के बारे में. लेकिन कैसी टेक्नोलॉजी? वेरियस. आगे सोचने वाली बात है कि डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की जरूरत हमको क्यों पड़ी. मेन रीजन है इंटरनेट, या हम बोल सकते हैं बिग डेटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ईमेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ई कॉमर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं CRM. वीडियो की बात कर सकते हैं, ऑडियो की बात कर सकते हैं, इमेजेस की बात कर सकते हैं. सिंपल मैं आप एग्जांपल लेता हूँ, यूट्यूब की बात कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता नहीं हमें कितना डेटा स्टोर करना है, जो डेटा हमारे पास में वो कैसा अनलिमिटेड है. और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा डेटा कौन यूज़ करने वाला है, क्योंकि यूजर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. हो सकता है कि एक बार में एक ही यूजर यूज़ करे, या एक बार में एक से ज़्यादा यूजर भी यूज़ कर सकते हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रख के इवोल्यूशन हुआ वेरियस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज का, जिसमें जो थ्री इंपॉर्टेंट है, जो तीन मेन कॉन्फिग्रेशन है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. डेट इज डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क. फर्स्ट हम लोग लेते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की. अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे सिंपल चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं. ओके, कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, तो वहाँ पर एक आपको दिखाई देता होगा हार्ड ड्राइव, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हार्ड डिस्क. एक्चुअली हमारा कंप्यूटर ही एग्जाम्पल है कि इसका डायरेक्ट अटैच स्टोरेज का. मीन जो हार्ड डिस्क हम लोग लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होता है ये नेटवर्कड नहीं होता. नेटवर्क से मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, अगर इस कंप्यूटर के पास में एक हार्ड डिस्क है, तो इस हार्ड डिस्क को यही कंप्यूटर यूज़ करेगा. इस हार्ड डिस्क को दूसरा कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता. इस तरह के स्टोरेज को कहा जाता है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. जबकि आगे जो हम NAS नेटवर्क एक्सेल स्टोरेज, सॉरी नेटवर्क अटैच स्टोरेज, वो सेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ये नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं. मीन्स आपस में कैसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, बट जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होता है नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड नहीं होता है. अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है. अगर हम NAS की बात करें तो आप एडवांटेज हमें क्या मिलेंगे? सबसे पहले एडवांटेज है परफॉर्मेंस. किसी भी डेटा को एक्सेस करना हो तो NAS की परफॉर्मेंस NAS और SAN की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है. रीज़न इसके पीछे क्या है? क्योंकि जो स्टोरेज है डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सेस करना चाहता तो नेटवर्क में घूमना नहीं पड़ेगा कि स्टोरेज में कहाँ पे रखा हुआ है, स्टोरेज कहाँ पे रखा गया है. डायरेक्टली स्टोरेज कनेक्टेड है, डायरेक्टली स्टोरेज में जाएंगे, एक्सेस करेंगे, डेटा हमको मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस कैसी यहाँ पे ज़्यादा है. सेकेंड एडवांटेज क्या आ जाता है? इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता है. थर्ड एडवांटेज क्या है? बहुत ही सिंपल है कॉन्फिगर करने के लिए. डायरेक्टली आपको कनेक्ट करना है, किसी IP किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं जानने की, सिर्फ हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर दो, आप यूज़ कर सकते हो. अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? हमको ये मिलेगा कि डेटा शेयर नहीं हो पाता है. ओके, जिस रिसोर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे उस रिसोर्स को हम दूसरे सर्वर को नहीं दे सकते कि वो यूज़ कर ले. जबकि NAS और SAN के अंदर ऐसा नहीं होता. NAS और SAN डेटा को आपस में शेयर कर सकते हैं. अदर थिंग क्या है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो हाई अवेलेबिलिटी, इतना हाईली अवेलेबल नहीं होता है अगर NAS स्टोरेज की हम लोग बात करें तो. अब क्यों नहीं होता है? सिंपल चीज़ है, नेटवर्क में अवेलेबल ही नहीं, तो किस तरीके से अवेलेबल होगा ये जो नेटवर्क में नहीं है? अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज और स्टोरेज एरिया नेटवर्क को. अब दोनों को मैं साथ में क्यों स्टडी कर, इसके पीछे रीज़न है. दोनों ही एग्जाम्पल है नेटवर्क स्टोरेज के. जो NAS था और नेटवर्क स्टोरेज नहीं था, पर NAS और SAN दोनों यहाँ पे कैसे नेटवर्क स्टोरेज है. यानी यहाँ पर हम डेटा को आपस में कैसा कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. हम समझते हैं इस चीज़ को. अगर मैं बात करता हूँ NAS की, तो NAS का यूज हम जनरली कहाँ पे करते हैं? हम NAS का यूज़ करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए. अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स होता क्या है. अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूँ तो हम बात कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स की,
जो वेबसाइट्स हम लोग यूज करते हैं उस पर जो डेटा रखा हुआ है वो कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड। अब वेबसाइट पर डेटा रखा है मतलब इसमें आपने कोई वेब पेज ओपन किया, आप किसी ट्यूटोरियल को स्टडी कर रहे हो तो टाइप किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं ऑडियो की, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं वीडियो की, या फिर किसी भी टेक्स्ट को ले लीजिए, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट की, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में हम यूज़ करते हैं सान का, मीन्स स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स होता क्या है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स जो हम डाटाबेस वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे आप ओरेकल या फिर हम लोग यूज़ करते हैं MySQL वगैरह को डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ओके, तो ये चीज़ कहलाती है स्ट्रक्चर्ड डेटा। या फिर और सिंपली हम समझ सकते हैं, अगर नास की हम लोग बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है वो है नास। और जब बात आती है मल्टीपल डिवाइसेस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे हम लोग, उस समय हम बोलेंगे सान। अब इन सभी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन करके देख लेते हैं। अगर तीनों में हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे तो हमको बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो कंपेरिजन में पहले हम बात करेंगे स्टोरेज टाइप की, कि कौन सा स्टोरेज टाइप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता है। अगर हम डास की बात करें तो डास के अंदर यूज़ किया जाता है सेक्टर्स को, जबकि अगर नास की बात करेंगे तो यहाँ पे यूज होता है शेयर्ड फाइल्स। और जो सान होता है, सान के अंदर यूज़ किया जाता है ब्लॉक को। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है। पहले हम बात करते हैं डास की, तो डास के अंदर यूज होता है आईडी ऑब्लिक SCSI की। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, दोनों क्या है एक्चुअली, दोनों ही हार्ड ड्राइव है। लेकिन यदि हम अगर हम करेंट मार्केट की बात करें तो आईडी और SCSI से मतलब यूजर स्विच हो रहा है साटा की तरफ। हम बोलते हैं मार्केट में साटा डिस्क अवेलेबल है, हार्ड डिस्क के लिए जो वर्ड यूज़ किया साटा हार्ड डिस्क यूज़ किया जाता है, तो वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे यूज होता है साटा हार्ड डिस्क या फिर आईडी या ऑब्लिक SCSI की। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नास की, तो नास के अंदर हम यूज़ करते हैं TCP ऑब्लिक IP का। हम सब लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वगैरह क्या होता है, साथ ही हम लोग यहाँ पे इथरनेट केबल का भी यूज़ करते हैं, इथरनेट का। जब हम बात करते हैं सान की, तो सान के लिए हम यूज़ करते हैं FC का, FC मतलब फाइबर चैनल का, या फिर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे IP का, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। IP की जरूरत तो हर जगह पे, चाहे वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, चाहे हम नास की बात करें या सान की बात करें, IP का दोनों में ही यूज होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटी की, तो जो डास होता है उसकी कैपेसिटी होती है 10^9 bytes। अगर हम बात करते हैं नास की, नास की कैपेसिटी होती है 10^9 से लेके 10^12 bytes के बीच में। अगर हम सान की बात करें, सान की कैपेसिटी होती है मोर देन 10^12 bytes, यानी 13 bytes ऑफ स्टोरेज के लिए सान का यूज़ किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करना हो, हम किसका यूज़ करेंगे, सान का, क्योंकि सान का मीनिंग ही होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि कौन सा कितना कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इन तीनों के अंदर जो डास होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, ओके। अगर मैं नास की बात करूँ तो उसको बोल सकते हैं मिडिल लेवल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट। और जब सान की बात होती है तो तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सान ही होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट की, कि कौन में कितना पैसा लगता है। अगर मैं बोलूँ डास के बारे में तो इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, हम लोग बोल सकते हैं हाई। पर GB के हिसाब से बात हो रही है, कि पर GB के हिसाब से डास की मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। अगर मैं नास की बात करूँ तो ये मिडिल लेवल पे आ जाता है, मीन्स मॉडरेट होता है पर GB के हिसाब से। और यदि मैं सान की बात करता हूँ तो बहुत ही लो कॉस्ट लगती है पर GB के हिसाब से। ऐसा क्यों है, बट डास के अंदर हाई क्यों लगती है, क्योंकि हर कंप्यूटर का खुद का स्टोरेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क, हर कंप्यूटर की खुद की होती है। अगर हमारे कंप्यूटर को हार्ड डिस्क देने बैठेंगे तो हर कंप्यूटर कितना ज़्यादा स्टोरेज ले लेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि एक ही स्टोरेज हो और बहुत सारे कंप्यूटर्स को शेयर कर रहे हो,
उस केस में क्या होता है कि हमको कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी टॉपिक समझना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू।